तमिलनाडु में द्रमुक के प्रमुख एमके स्टालियन ने आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके अलावा मंत्रिमंडल में 33 सदस्य शामिल हुए। इनमें अनुभवी और वरिष्ठ नेता दुराई मुरुगन के अलावा करीब 12 नए सदस्य पहली बार मंत्री बने। मंत्रियों और उनके विभागों की सूची को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मंजूरी दे दी। जम्मू कश्मीर के सभी प्रमुख अस्पतालों में बिस्तर लगभग कोरोना के मरीजों से भर गए हैं। यही नहीं, कुल बिस्तरों में से 50% से अधिक पर मरीज भर्ती हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सक्रिय मरीजों की संख्या 40,000 से अधिक हो गई है। नेशनल हेल्थ मिशन के आंकड़ों के अनुसार बीते दिन तक जीएमसी जम्मू के 410 में से 366 पर मरीज भर्ती थे, लेकिन गैर आधिकारिक आंकड़ों में सभी बिस्तर भरे हुए थे। वहीं सीडी अस्पताल में 110 में से 94 बिस्तरों पर मरीज भर्ती थे। गांधीनगर अस्पताल के 76 में से 71 बिस्तर, जीएमसी रजौरी में 90 में से 85, जीएमसी कठुआ में 57 में से 50, नारायणा अस्पताल के 111 में से 82 बिस्तरों पर मरीज भर्ती हैं। कुल 1,903 में से 1,064 बिस्तर पर मरीज भर्ती हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद को संभालते ही ममता बनर्जी ने केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, बीजेपी जनता के फैसलों को स्वीकार करे और हमें कोविड महामारी के प्रति काम करने दें। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री बंगाल आकर सांप्रदायिक दंगों को और भड़का रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, कूच बिहार में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। जहां बीजेपी जीती वहीं सबसे ज्यादा हिंसा हुई। कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण और यात्रियों की संख्या को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने जम्मू और कटरा रेलवे स्टेशन तक आने वाली 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें 2 ट्रेनें जम्मू और 3 ट्रेनें कटरा के लिए चलती थीं। इसमें वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। यूटी जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों से सरकार की चिंता बढ़ गई है। बीते दिन सीडी अस्पताल के लॉन्स और अन्य जगहों पर कोरोना मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ बैठे दिखाई दिए, क्योंकि तब तक उनके बिस्तरों की व्यवस्था नहीं की गई थी, परंतु अस्पताल प्रशासन द्वारा उनकी बिस्तरों की व्यवस्था कर दी गई। इसी और अन्य कोरोना की सुविधाओं का जायजा लेने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुद सीडी अस्पताल व जीएमसी जम्मू का दौरा कर की जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। जम्मू के इंदिरा चौक में एक बड़ा हादसा टल गया। इंदिरा चौक के फुट ब्रिज के पास इमारत समेत दुकानें भरभरा कर गिर गईं। गनीमत है कि लॉकडाउन लगा है, अन्यथा कोई भी इसके नीचे आ सकता था। यह हादसा ठीक नए बने बस स्टैंड पार्किंग के सामने हुआ। इससे पता चलता है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कार्यप्रणाली का कितने अनप्रोफेशनल तरीके से काम किया जा रहा था। अगर कोई इसके नीचे दबकर मरमरा जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता, ये बड़ा प्रश्न है। जम्मू फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि अगर इस चेन को तोड़ना है तो लॉकडाउन जारी रखना पड़ेगा। एसोसिएशन ने कहा कि अभी तक के लॉकडाउन में जम्मू में कोरोना मरीजों की संख्या और मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब और ज्यादा सख्त कदम उठाने की जरूरत है। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों और तीसरी लहर की आशंका के बीच कांग्रेस ने बिगड़े हालात के लिए केंद्र पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सर्वदलीय बैठक आयोजित करने की मांग की। साथ ही स्टैंडिंग कमेटी से भी कोरोना के बिगड़ते हालात पर नजर रखने की गुजारिश की गई। सोनिया गांधी ने कहा कि देश में कोरोना के हालात बद से बदतर हो गए हैं। इस महामारी से निपटने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह विफल रही है। कश्मीर घाटी के जिला अनंतनाग के डायलगाम में सेना की 19 आरआर द्वारा कोविड 19 के मद्देनजर मकामी लोगों के लिए स्वच्छ रहो और खुश रहो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सेना ने मास्क पहनने, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग रखने के साथ साथ स्वच्छता के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर यात्री भवन में
प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ते मामलों को देखते हुए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। जो भी यात्री ट्रेनों से जम्मू में प्रवेश कर रहे हैं, यहां उनका कोरोना टेस्ट करवाने के बाद उन्हें 10 दिनों तक इस क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा यहां रखे लोगों को पूरी सुविधाएं व खाना पीना दिया जाता है। जिला साभा के विजयपुर में कोरोना वायरस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं डीसी अनुराधा गुप्ता द्वारा विजयपुर के राया मोड़ मेन चौक को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। वहीं इस आदेश के बाद पुलिस द्वारा गलियों में कटीली तारे लगाकर इसे बंद कर दिया गया। वहीं जीएमसी विजयपुर ने कर्मचारी द्वारा पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। जम्मू शहर के मशहूर व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हर की पौड़ी के संस्थापक स्वामी 1008 चिदानंद ने बीते सुबह स्वर्गवास हो गया। उन्होंने अपने प्राण त्याग कर समाधि लेने का फैसला किया था। वहीं आज सुबह स्वामी जी को पूरे विधि विधान सहित समाधि में बिठाया गया। बड़ी संख्या में मकामी लोगों ने शिरकत की और स्वामी जी के अंतिम दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जिला सांभा के गगवाल पुलिस ने पशु तस्करों के चुंगल से 15 दुधारू गाय व 3 बैल बरामद किए। इन मवेशियों को एक तेल के टैंकर में छिपाकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। इन मवेशियों को तेल ले जाने वाले टैंकर में छिपाकर ले जाया जा रहा था। तेल के टैंकर में पशु तस्करी का अपनी तरह का ये पहला मामला जिला सांभा में आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 दिनों में लगातार कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 10,000 के पार कर रहा है। 10 दिनों में कोरोना के कारण 36,110 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में हर घंटे कोरोना से 150 मरीजों की मौत हो रही है। भारत में जितनी तेजी से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, वो एक दिन में किसी भी देश में आए मामलों में सबसे अधिक है। कश्मीर घाटी में माहे रमजान का आखिरी जुम्मा अलविदा आज है, परंतु कश्मीर घाटी में बढ़ते कोरोना मरीजों के मद्देनजर लोगों द्वारा घरों में रहकर जुम्मे की नमाज अदा की गई। कोरोना कर्फ्यू के कारण मस्जिदों में चुनिंदा लोग ही नमाज अदा करने पहुंचे। इस दौरान पूरा श्रीनगर शहर वीरान नजर आ रहा है। पुलिस द्वारा सख्त पाबंदी आयत की गई है। जम्मू संभाग के जिला पुंछ में भी अलविदा जुम्मा मुबारक की नमाज अदा की गई। कोरोना वायरस के मद्देनजर यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। अलविदा जुम्मा मुबारक को देखते हुए पुलिस द्वारा जगह जगह नाके लगाए गए ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। जम्मू संभाग के सांबा जिले के नरसिंह मंदिर गगवाल में डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मंदिर में चल रहे तालाब के काम का जायजा लिया। वहीं इस मंदिर में पहली बार एक गौशाला का भी निर्माण किया गया है। डीसी द्वारा गौशाला में रखी गायों को चारा भी खिलाया गया। उन्होंने कहा कि डीसी का ओहदा संभालने के बाद वो पहली बार नरसिंह मंदिर आई हैं। मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है मंदिर की व्यवस्था देखकर। देखा जाए तो एक तरफ प्रशासन कोरोना महामारी से लड़ रहा है, परंतु दूसरी तरफ विकास कार्यों को भी ठीक से तवज्जो दी जा रही है, ताकि प्रशासन लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरे।